हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं अपने कंपनी लॉ में डायरेक्टर, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं निर्देशक। कल हमने देखा था कि प्रमोटर क्या होता है, ठीक है, प्रवर्तक क्या होता है, तो डायरेक्टर के आज हम देखेंगे। इसकी हम दो वीडियो बनाने वाले हैं, तो डायरेक्टर की पहली वीडियो में यानी कि आज की वीडियो हम देखेंगे डायरेक्टर का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टर क्या होते हैं और इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डायरेक्टर के राइट्स क्या होते हैं, डायरेक्टर की ड्यूटीज क्या होती हैं, डायरेक्टर की लाइबिलिटीज क्या क्या होती हैं, उनका लीगल स्टेटस क्या क्या है, उस तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये डायरेक्टर को शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो जैसे मान लीजिए ये कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी में जिन लोगों ने अपना कैपिटल लगाया, ठीक है, तो अब उन लोगों को बदले में, जिन लोगों ने कंपनी के शेयर लिए बदले में, उन्हें क्या शेयर होल्डर बोला जाता है, ऐसे लोगों को, राइट। तो अब हम हर व्यक्ति को तो डायरेक्टर नहीं बना सकते, ठीक है, हर व्यक्ति को डायरेक्टर बनाना पॉसिबल भी नहीं है। तो जो उन शेयर होल्डर में से जो कुछ मेंबर होते हैं ना, वही डायरेक्टर होते हैं, ठीक है। जो एक सिंगल पर्सन होता है उसको डायरेक्टर कहते हैं, और जब मेंबर्स हो जाते हैं यानी कि बहुत सारे मेंबर सिलेक्टेड होके डायरेक्टर बन जाते हैं तो उन्हें कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, यानी कि निर्देशक गण। यहां तक सब क्लियर है। मीन बात करते हैं, मीनिंग क्या है। डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इज अ पर्सन इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर फॉर मैनेजिंग द अफेयर ऑफ द कंपनी एज पर द एमओए एंड एओए ऑफ अ कंपनी। डायरेक्टर वो व्यक्ति है जो कंपनी में इलेक्टेड किया जाता है, शेयर होल्डर उसको इलेक्ट करते हैं मैनेज करने के लिए कि कंपनी के मैनेजिंग वगैरह अफेयर वगैरह देखता रहे, एज पर किसके हिसाब से, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से। हम सभी जानते हैं कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी खुद से रन नहीं कर सकती, उसके लिए पर्सन की नीड होती है, उसके लिए आप आर्टिफिशियल बॉडी है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो उसको रन करने के लिए किसी की जरूरत तो होगी, तो वो काम डायरेक्टर का है। डेफिनेशन की बात करते हैं। कंपनीज एक्ट में सेक्शन 2 में क्लॉज 34 में गिवन है, कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन तो वैसे इसकी नहीं है, बट यहां पे डिफाइन है कि डायरेक्टर मीन अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू दी बोर्ड ऑफ कंपनी। बोर्ड ऑफ कंपनी जो है अपॉइंट करती है किसे, डायरेक्टर को, ठीक। सेक्शन 149 में क्या है, इससे रिलेटेड सेक्शन है तो इसीलिए हम देखेंगे। सेक्शन 149, एवरी कंपनी शैल हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिस्टिंग इज इंडिविजुअल एज डायरेक्टर एंड शैल हैव, क्या कि एक मिनिमम नंबर जो किसी भी कंपनी में 3 डायरेक्टर होंगे, जो पब्लिक कंपनी होगी उसमें 3 डायरेक्टर की नीड होगी मिनिमम, जो प्राइवेट कंपनी होगी उसमें 2 डायरेक्टर की नीड होगी, और जो वन पर्सन कंपनी हम देखते हैं ओपीसी वन पर्सन कंपनी, उसमें जाहिर सी बात है वन पर्सन है तो 1 डायरेक्टर की नीड है। उसके बाद बात करते हैं हम मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। अब इसमें भी एक चीज है कि अगर कंपनी ने 15 डायरेक्टर से ज्यादा भी हो सकते हैं अगर आफ्टर पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन के स्पेशल प्रस्ताव के थ्रू, विशेष प्रस्ताव के थ्रू अगर आपने ज्यादा अपॉइंट कर लिए तो आप कर सकते हो, पास होना चाहिए, ठीक है। और वो जो है एक चीज और देखने को मिलती है कि जो भी जैसे कि एक वुमेन डायरेक्टर भी होती है, एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। एवरी कंपनी एग्जिस्टिंग ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कमिसमेंट कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोविजन। सेक्शन 1 जो है रिक्वायरमेंट रहेगा, जो भी प्रोविजन है कंपनी में एग्जिस्टिंग रहेगा, ठीक है। कैसे, बिफोर द डेट ऑफ कमिसमेंट, कमिसमेंट की डेट से पहले। नेक्स्ट, एवरी कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 1 डायरेक्टर, 1 डायरेक्टर होना जरूरी है, हु स्टे इन इंडिया, जो कि इंडिया में हो, फॉर अ टोटल पीरियड, मतलब कि नॉट लेस देन 182 डेज, यानी कि 182 दिन तक वो इंडिया में स्टे करना चाहिए, इंडिया में रहना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डायरेक्टर की। तो डिफरेंट टाइप्स के डायरेक्टर होते हैं, ठीक है, जनरली डिफरेंट टाइप्स के डायरेक्टर होते हैं। सबसे पहला उसमें आता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नाम से पता चल रहा है एग्जीक्यूटिव यानी कि एग्जीक्यूट।
ही और शी इज फुल टाइम वर्किंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। ये जो है फुल टाइम वर्किंग होते हैं, प्रॉपर तरीके से इनका वर्किंग रहता है। दे हैव हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनके ऊपर रहती है। उसके बाद बात करते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये क्या होते हैं? नॉन वर्किंग डायरेक्टर होते हैं और ये इनका एवरीडे इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता कंपनी के साथ। ये क्या करते हैं? कंपनी दे माइट टेक पार्ट इन अ प्लानिंग और पॉलिसी मेकर, पार्ट रह जाते हैं, पार्ट होते हैं कि जब कंपनी की कोई पॉलिसी बनती है, प्लानिंग होती है, तो उसके पार्ट होते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन से होते हैं? सबसेंशियल एबिलिटी टू मेक डिसीजन, मैनेज एंड डायरेक्टर अदर मेंबर ऑफ अ कंपनी, डायरेक्ट करते हैं जो कंपनी के अदर मेंबर हैं उनको डायरेक्ट करते हैं, उनको डायरेक्शन देते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर फोर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन से होते हैं? नाम से ही पता चल रहा है इंडिपेंडेंट, तो इनका डायरेक्ट जो रिलेशन है विद दी कंपनी नहीं होता, डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट रिलेशनशिप विद दी कंपनी। इनके जो एक्सपीरियंस है और एसेट्स है, ठीक है, एक्सपर्ट एडवाइस वगैरह है, जो भी बोर्ड को रिक्वायर्ड जब हो तब वो देते हैं। अब इसकी क्वालिफिकेशन भी देखते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। मस्ट हैव एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस, बिल्कुल सही बात है, एक्सपीरियंस वगैरह और एक्सपर्टाइज होना चाहिए। मस्ट बी अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी होनी चाहिए पर्सन में। शुड नॉट बी प्रमोटर ऑफ अ कंपनी, ये कंपनी के प्रमोटर नहीं होते। शुड नॉट होल्ड वोटिंग पावर, इनके पास वोटिंग पावर होल्ड करने की कैपेबिलिटी नहीं होती। शुड हैव नो रिलेशन विद द डायरेक्टर एंड प्रमोटर्स ऑफ अ कंपनी, इनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी के जो प्रमोटर हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनसे कोई भी कनेक्शन नहीं होता। ऑब्वियसली बात है, जब कंपनी से इनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो इन लोगों से कैसे होगा? स्वतंत्र होते हैं ये एक तरीके से, इनका डायरेक्ट आप इन्वॉल्वमेंट नहीं देख सकते। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रेजिडेंशियल डायरेक्टर। नाम से पता चल रहा है रेजिडेंशियल। अभी हमने पीछे देखा कि 182 डेज स्टे करना होता है, ठीक है ना, जो भी डायरेक्टर रहेगा वो एटलीस्ट 182 डेज उसको इंडिया में रहना होगा, रेजिडेंशियल इंडिया में या जो भी जहां पे भी कंपनी है वहां पे। ठीक है, उसके बाद सिक्स नंबर पे है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। हमने पहले ही बात कर ली, डायरेक्टर कहां से निकले कि एक कंपनी है, कंपनी क्या है, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। अब कि जिन लोगों ने अपनी कैपिटल वगैरह लगाई, क्या कहलाए वो? शेयर होल्डर कहलाए, शेयर होल्डर कहलाए। अब सभी शेयर होल्डर को तो नहीं बना सकते ना, तो जो स्मॉल छोटे यानी कि आप कह सकते हैं 1/10 जो भी इनका हिस्सा रहता है, तो वो भी एक तरीके से डायरेक्टर होते हैं। वुमेन डायरेक्टर हम पहले देख चुके हैं कि एक वुमेन डायरेक्टर की भी एटलीस्ट नीड होती है। ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर, ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर वो डायरेक्टर होते हैं जो कि टेम्पररी पीरियड के लिए होते हैं। मान लीजिए कंपनी में कोई मीटिंग है और कोई जनरल मीटिंग है और उस टाइम पे ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर की नीड होती है, वो टेम्पररी टाइम के लिए रहते हैं, एक टाइम के लिए रहते हैं, लिमिटेड, हमेशा के लिए वो डायरेक्टर नहीं होते। नॉमिनी, नाम से पता चल रहा है नॉमिनी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के या थर्ड पार्टी के थ्रू अपॉइंट होते हैं। ठीक है, अब हमने ओवरऑल क्या देखा? डायरेक्टर होल्ड डिफरेंट पोजिशन एंड पावर्स इन कंपनी, द डिविजन ऑफ पावर हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम। डायरेक्टर जो हैं डिफरेंट पोजिशन और डिफरेंट पावर जो है कंपनी की तरफ से उनको मिलती है, एक डिफरेंस तरीके से पावर्स होती है जो कि मेंटेनिंग वगैरह करने के लिए एक फेयर और ट्रांसपेरेंट सिस्टम भी है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर की, अपॉइंटमेंट कैसे होता है इनका। तो आपको अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 152 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर मिल जाएगा। कैसे? वेयर नो प्रोविजन, को रीड कर लेते हैं, वेयर नो प्रोविजन इज मेड इन द आर्टिकल ऑफ अ कंपनी, कोई प्रोविजन ऐसा है नहीं फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर, द सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम हु आर इंडिविजुअल शैल बी डीम्ड टू बी अ फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अंटिल द डायरेक्ट आर ड्यूली अपॉइंटेड इन द केस वन पर्सन कंपनी ऑफ इंडिविजुअल बींग मेंबर शैल बी डीम्ड टू बी फर्स्ट डायरेक्टर अंटिल द डायरेक्टर और डायरेक्टर्स ड्यूली अपॉइंटेड बाय द डायरेक्ट मेंबर्स इन अकॉर्डेंस। तो इसमें क्या है कि बेसिकली जब कंपनी का जो पहला डायरेक्टर होगा, पहला कैसे नियुक्त किया जाएगा, मान लीजिए जो सब्सक्राइबर वगैरह होंगे ना, हमने पहले बोल रहे हैं कि जो शेयर होल्डर्स वगैरह इन्हीं में से निकलते हैं, जो सब्सक्राइबर वगैरह होंगे उन्हीं के
निकलते हैं, वन पर्सन कंपनी होगी तो पहले ही देख चुके हैं कि वन पर्सन कंपनी है तो वही मेंबर डायरेक्टर होगा। अब उसके बाद बात करते हैं आगे के प्रोसीजर की, ठीक है। सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट एवरी डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग। कंपनी की जो जनरल मीटिंग होती है उसी में कंपनी के डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं। तीसरी बात, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी अनलेस ही हैज बीन अलॉटेड द डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर अंडर सेक्शन 154। सेक्शन 154 में आपको DIN नंबर के बारे में पता चलेगा। DIN नंबर होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब किसी व्यक्ति को, जब तक कि ये नंबर अपॉइंट नहीं होता, वो कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता, तो ये जनरल मीटिंग के बाद उसको ये नंबर प्रोवाइड होना पड़ता है। इसके भी प्रोसीजर है, खैर वो ज्यादा ब्रीफली हो जाएगा। उसके बाद एवरी पर्सन प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग और अदरवाइज शेल फर्निश हिज डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड डिक्लेरेशन दैट ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर अंडर दिस एक्ट। अब मान लो कि कंपनी का क्या हुआ कि उसको DIN नंबर जो है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल गया, साथ में उसको एक डिक्लेरेशन होगी, उस डिक्लेरेशन में ये गिवन होगा कि ही इज नॉट डिस्क्वालिफाई नहीं है वो, मतलब उसमें कोई भी रोक टोक नहीं है, वो डायरेक्टर बन सकता है, डिस्क्वालिफाई नहीं है वो, उसमें क्वालिटी है, ठीक है, क्वालिफाइड है। फिफ्थ पॉइंट बात करते हैं, पर्सन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर शैल नॉट एक्ट एज अ डायरेक्टर अनलेस एंड सच कंसेंट हैज बीन फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज, ठीक है ना, 30 डेज का टाइम पीरियड रहेगा ऑफ हिज अपॉइंटमेंट इन सच मैनर मे बी प्रेस्क्राइब। ये क्या कह रहा है कि एक पर्सन अपॉइंटेड हो गया डायरेक्टर के थ्रू पे, उस पर DIN नंबर हो गया, साथ में एक डिक्लेरेशन हो गया कि वो डिस्क्वालिफाई नहीं है, क्वालिफाइड है, दो चीजें हो गई। अब वो पर्सन अपॉइंटेड कर लिया जाएगा और साथ में वो जो पर्सन है, पांचवा स्टेप ये है कि वो पर्सन जब तक नहीं होगा, जब तक कि वो अपनी कंसेंट नहीं दे देगा, ठीक है ना, कंसेंट दे देगा प्लस फाइल कर देगा, रजिस्ट्रार को फाइल कर देगा, ठीक है, कब तक करेगा, विद इन मतलब 30 दिन के अंदर अंदर उसको फाइल करना होगा रजिस्ट्रार में, ठीक है, और या जो भी मैनर सच मैनर में भी प्रेस्क्राइब वगैरह होंगे वो सारी चीजें वो करनी होगी, तो उसका अपॉइंटमेंट हो जाएगा। इस तरीके से डायरेक्टर की नियुक्ति होती है, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्टर की लायबिलिटी, राइट्स और अदर चीजें भी देखेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा।